एज यूजल अकेले जाना पड़ रहा है, कोई तो है नहीं अपना दोस्त, अकेले ही घूमते हैं यार हम लोग। मंदिर गए थे आज सुबह और फिर से मंदिर जा रहे हैं। भक्ति ज़्यादा सूझ रही है आजकल मेरे को। मैंने सोचा क्यों ना घर के पास ही हम अपना व्लॉग शूट किया जाए आज। तो हम आ गए हैं थोड़ा सा बुद्ध टेम्पल की साइड और आपको आज दिखाएंगे बुद्ध टेम्पल की शहर कराएंगे आपको। बुद्ध टेम्पल का हमने व्लॉग बनाया भी नहीं है, एज ऑफ घर के पास है तो हम लोगों को, बट आज संडे है तो हमने सोचा क्यों ना इसी को शूट किया जाए और आपको दिखाया जाए। सो गाइस मिलते हैं आपसे। लद्दाख की गाड़ी आ रखी है, एले लद्दाख की नहीं यार, एले की गाड़ी कहाँ की होगी गाइस, कहाँ की होगी गाड़ी, LA02 मुझे नहीं पता यार, चेक करना पड़ेगा इसको। तो चलो यार दिखाते हैं आपको आगे और कुछ। ये देखिए इनका ट्रेडिशनल कपड़े भैया जी के, सही लग रहे हैं ना, देख रहे हैं। सो गाइस मैं उतर चुका हूँ गाड़ी से और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितना ही प्यारा व्यू है और समझ सकते हैं हाँ मैं कहाँ पर आया हूँ। और ये देखो हमारे भाईजान भी आ गए हैं पीछे पीछे हमारे। और चलिए आगे दिखाते हैं आपको, पहले लेके चलते हैं आपको पुराने वाले बुद्ध टेम्पल में, फिर लेके चलेंगे नए वाले में। नहीं पहले नए वाले में चलते हैं, एक्चुअल में मंदिर जाना है तो विल ट्राई टू गो इनसाइड एंड देन विल शो यू द प्लेस, दिस प्लेस। ओके सो गाइस दिस इज द फर्स्ट व्यू ऑफ बुद्ध टेम्पल और आप देख सकते हैं इन्होंने क्लोज कर दिया, पहले यहाँ पर अंदर जा सकते थे हम लोग, यहाँ पर से एंट्री करते हैं लोग जैसे हम भी से आए तो यहाँ पर बैठने का हुआ करता था बहुत सालों पहले, इन्होंने काफ़ी टाइम से वैसे बंद है। तो चलिए आगे लेके चलते हैं, जिसको ये पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा सा तो पढ़ लेना। जूम और पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है सब पढ़ लेना आप लोग अगर मन है तो। अरे थोड़ा बहुत सिंबल्स हैं और इसको भी अगर कोई पढ़ना चाहता है तो हम 4K में वीडियो अपलोड करते हैं तो उसे पढ़ सकते हैं आप लोग। ओके ये भी है कुछ 8 काइंड ऑफ स्टूपाज। ओके इसको स्टूपाज बोलते हैं, ये बना रखा है। सो गेट दिस, दिस इज द मॉनेस्ट्री ऑफ बुद्ध टेम्पल। सी the beauty of this place. इधर थोड़े थोड़े इन्होंने ना थॉट्स लिखी हुई हैं तो काफ़ी सारी हैं, हर जगह ही लिखे हुए हैं। एक्चुअली हम संडे को इसलिए आए थे, काफ़ी दिन से मैं अवॉइड कर रहा था यहाँ पर आना, वो इसलिए क्योंकि अंदर जा सकते हैं, खुला हुआ है, मैंने देख लिया वो आते हुए उनको बाहर। अब मैं आपको भी लेके चलता हूँ अंदर। सो वी हैड अ गुड लक, लुक एट दिस चाइल्ड लुकिंग ब्यूटीफुल। सो वी हैड अ अच्छा टाइम था आज हमारे लिए, तो हम अंदर जा रहे हैं अभी। प्लीज़ डू नॉट सिट ऑन द स्टेयर्स, नहीं चले चल पहले नीचे चल लेते हैं।
हमारे हेमंत भाई जी ने बोला है पहले अंदर चलो, नीचे चलो, सॉरी ये लोग यार। गाइस वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड, सो मैंने सोचा आपको यहीं से दिखा रहे। सो गाइस अंदर फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड एक्चुअली। सो अंदर हमने इसलिए वीडियोग्राफी नहीं करी, तो वो डिसाइड करा है आपको बाहर से ही दिखाने का। तो कुछ ऐसा है यहाँ से व्यू, देखिए इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, एक्चुअली यहाँ से दिखा सकते हैं। इधर से आप देखिए, बस मैं आपको यहीं से दिखा सकता हूँ। एक्चुअली अंदर तो प्रोहिबिटेड है, ये देख सकते हैं आप लिखा हुआ है यहाँ पर। सो अगर आपको आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, एक्चुअली सिंगिंग कर रहे हैं वो लोग और इसी को ये प्रेयर बोलते हैं, तो इनकी प्रेयर हो रही है वो। आई डोंट नो कि आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, थोड़ा ध्यान से सुनना, एयरफोन्स ला के सुनना तो शायद आ जाए आपको। बाकी मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ आपको कहीं स्पीकर के आसपास जाके। सो गाइस देख सकते हैं आप हमारा बुद्ध टेम्पल, ये सुनिए आप आवाज़, इसकी बात कर रहा था। गाइस ये जो आप देख रहे हैं ना मर्सिडीज़ जो खड़ी है यहाँ पर, ये दलाई लामा की मर्सिडीज़ है जिसको अभी इन्होंने यहाँ पर एज अ सूटकेस रख दिया है। और मैं भी आपको इसके बारे में बताता भी हूँ थोड़ा सा, अभी रुकिए आप मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के आपको बताता हूँ। ये मेरे ख्याल से 2000 समथिंग का मॉडल है, जिसे अभी इन्होंने एज अ देख सकते हैं कि मर्सिडीज़, और मैंने आपको जो दिखाया भी आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ही न्यू कंडीशन में है ये गाड़ी, देख सकते हैं आप 260E। ऐसे जो आप पीछे देख रहे हैं राजा जी नेशनल पार्क है, इसे जस्ट कनेक्ट में है ये बुद्ध टेम्पल। ये आपको मैं न्यू वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ, ये देखिए स्टूपास बोलते हैं इनको, और मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। वो सारा स्टूपास की बारे में लिखा हुआ है, क्या है ये स्टूपास बेसिकली, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो पढ़ सकता है इसको ना। ओह ये देखिए गाइस लाइटें जल चुकी है, और कितना प्यारा लग रहा है ना। ये देखिए गाइस पहले यहाँ पर लोग पैसे डालते थे, अब नहीं डालते। अरे वाह कमल कहाँ डले हुए हैं, अरे हाँ यार है, अरे मुझे दिखे नहीं रहे थे, हाँ यार है पैसे हैं, पैसा ही पैसा गाइस, मनी मनी। ये देखिए गाइस ये बुद्ध टेम्पल, सो गाइस ये देखिए आप अभी हम एंटर हो रहे हैं बुद्ध टेम्पल के लिए, और आपको दिखाते हैं बुद्ध टेम्पल।
तो अंदर एंट्री करते ही साथ हमें एक शॉप मिल जाती है, मेन बुद्ध टेम्पल एंड गिफ्ट शॉप, और साथ ही एक कैफ़े भी मिल जाता है अंदर घुसते साथ ही। और काफ़ी स्वीट और सुंदर सा कैफ़े है ये, आप देख सकते हैं। और ये देखिए अपना बुद्ध टेम्पल, स्कूल टाइम में हम बहुत जब हम ट्यूशन पढ़ते थे तो यहाँ पर आके ट्यूशन पढ़ मतलब ट्यूशन के बहाने बंग मार के यहाँ पर आके बैठते थे। बट अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हम ट्यूशन नहीं जाते ना स्कूल जाते हैं। हमारा खुद का एक बिज़नेस है छोटा सा, हम वो बिज़नेस करते हैं, जो जब हमें टाइम लगता है तो हम कभी कभी यहाँ पर आ जाते हैं। दिस इज़ अ सिक्योर्ड रिलीजियस प्लेस, प्लीज़ मेंटेन एंड डेकोरम ऑफ द टेम्पल। ओके, वी टेक केयर ऑफ इट। देख सकते हैं गाइस आप, ये 21 नवंबर 1997 में बना था, और बस यही थी इसकी जब ये बना था। और गाइस इसको हम यहाँ पर घुमाते हैं जस्ट फॉर मेडिटेशन। बेसिकली इनका कहना है ये कि इसको घुमाने से काफ़ी शांति मिलती है माइंड को, और हाँ सच भी है ये एक्चुअल में। इसको लगता है थोड़ा सा जब हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं ना एंटी क्लॉक वाइज, तो हमें फील होता है ऐसा थोड़ा शांति सा ना, बट थोड़ा मेडिटेशन टाइप का करना होता है। शांति से आप इसे घुमाते रहिए और एक राउंड ऐसी कर घूमना होता है इसके साथ, तो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। देखिए तो यही है गाइस, बाकी दिखाते हैं हम आपको आगे। ये यहाँ का बुद्ध टेम्पल का बैक साइड है, ये पुराना बुद्ध टेम्पल एक्चुअली मैंने आपको बताया, जैसे कि ये 1997 में बना था, तो इसका बैक साइड है ये। और ये देखिए आप, यहाँ पर मैं और मेरे फ्रेंड्स आते थे और यूजुअली हम यहीं पे बैठते थे। बैक साइड था, कोई आता नहीं था अपने घर वाले, क्योंकि बंक मार के हम यहाँ पर हम लोग आते थे यहाँ पर, तो इसलिए हम प्रेफर करते थे यहाँ पर आके बैठना, तो किसी को पता भी नहीं चलता था। जब घर वाले नहीं आते थे तो ऑब्वियसली अगर हम बंक मार के बैठेंगे तो छुप के ही बैठेंगे, तो इसलिए ये जगह हमारे लिए काफ़ी प्रेफरेबल हुआ करती थी उस टाइम पर। अपना अपने पुराने दिन याद कर रहा हूँ इसमें। सो दैट्स इट, दिखाते हैं आपको और आगे चल के। देखिए लोग इसको घुमा रहे हैं, सही है, पहले लोग यहाँ पर ही ये देख रहे हैं गाइस आप, इसको घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अरे ज़्यादा मुझे हार्ड डिफिकल्ट तो लग नहीं रहा है, लोग ड्रामे करते हैं। पहले स्कूल टाइम में जब हम छोटे थे ना तब काफ़ी डिफिकल्ट हुआ करता था। तब तो हमसे घूमता भी नहीं था ये, और अब तो आराम से घूम रहा है। बाकी 7 times हुआ ना होता है, मुझे नहीं पता मेरे कितने चक्कर हो गए, कितने हो गए भाई। बहुत इजी लग रहा है इस बार तो, आज तो घुमाना मेरे को बड़ा हो गया ना। ये आप आगे देख रहे हो, यहाँ पर भी है एक जैसे वो पीछे था ना जो मैं घुमा रहा था अभी, यहाँ पर भी बना रखा है। बाकी ये देखिए ये बैक साइड, ये देखिए गाइस कितना प्यारा पार्क बना रखा है इन लोगों ने ना। देखिए हमारे हेमंत भाई साहब घुमा रहे हैं बड़े मजे से, पूरा घुमाया इन्होंने, इसे भी घुमा जा। अरे कुछ नहीं हो रहा, घुमा
सब घुमाया है हेमंत भाई ने। और ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सही है इन्होंने बना रखा है ना वॉल, 3D पेंटिंग उस टाइम से बनी हुई है गाइस, ये चीज़ देखिए आप। और एक चीज़ तो मुझे बड़ी ही सही दिखाई दी, ये देखो आप, देख रहे हैं बिल्कुल स्टोन पेंटिंग, देखिए इसे मुझे कहीं पे भी जॉइंट नहीं दिख रहा है, तो जानता हूँ मुझे लग रहा है ये सिंगल स्टोन पे बनाया हुआ है, अगर आपको ये दिखे तो आप बताना। नीचे भी यहाँ तक भी, यहाँ पर भी कोई जॉइंट नहीं है, सिंगल एक स्टोन पे बना हुआ है पूरा, नाइस। सो गाइस वी आर साइनिंग आउट नाउ, इट्स टाइम टू गो बैक होम, एक्चुअली काफ़ी लेट हो चुका है। और देखिए